तो पिछली सरकार ने भांजे और भांजियों को लेकर कई सारे दावे किए, लेकिन उन दावों की हकीकत अब सामने आ रही है, जिसकी वानगी देखने को मिलती है अलीराजपुर जिले के जोवट के एक छात्रावास में, जहां वहां रहने वाले बच्चों को खुद ही अपना सारा काम करना पड़ता है। जहां स्कूल जाने से पहले बच्चों को इस कड़कड़ाती ठंड में छात्रावास में खुद ही खाना बनाने को मजबूर होना पड़ रहा है। आखिर क्या है पूरा मामला, आइए देखते हैं। यह है अलीराजपुर जिले के जोवट का एक बालक छात्रावास, जहां करीब 150 बालक छात्रावास में रहकर पढ़ाई करते हैं। अब देखिए दूसरी ओर हड़ताल पर बैठे इन कर्मचारियों को, जो अपनी 5 माह की वेतन नहीं मिलने से नाराज हैं। दरअसल मामला इस हड़ताल से जुड़ा है। ये सभी हड़ताल पर बैठे कर्मचारी चतुर्थ श्रेणी के हैं, जो स्कूल सहित छात्रावास में दैनिक वेतन भोगे हैं। इनका आरोप है कि शासन ने तो इनको पैसे दे दिए हैं, लेकिन स्थानीय प्रशासन के ढीले रवैये के कारण इन्हें 5 माह से वेतन नहीं मिला है, जिसकी वजह से इन्हें हड़ताल करना पड़ रही है। लेकिन इन सबके बीच मासूम बालों की क्या गलती है, जिन्हें इतनी ठंड में सुबह उठकर अपने हाथों से खाना बनाने को मजबूर होना पड़ रहा है। वहीं जब इस पूरे मामले पर विभाग के अधिकारियों से बात की गई, तो उनका कहना है कि कर्मचारियों ने सूचना देकर हड़ताल की है, जिसके कारण कुछ जगहों पर बच्चों को खाना बनाने की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन कर्मचारियों का वेतन ऊपर से ही आवंटित नहीं हुआ है। जल्द ही वेतन के आवंटन आते ही उनके खातों में वेतन डाल दिया जाएगा। साथ ही जब कर्मचारियों ने इस पूरे मामले में वरिष्ठ अधिकारियों को ज्ञापन देकर सूचित किया, तो वरिष्ठ अधिकारी संबंधित अधिकारियों को तलब कर समस्या का हल निकालने की बात कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब प्रशासन को कर्मचारियों की हड़ताल पर जाने की सूचना थी, तो अन्य वैकल्पिक व्यवस्था क्यों नहीं की गई? क्या फिर जानबूझकर इन नन्हे बच्चों से छात्रावास और स्कूलों का काम करवाया जा रहा है? बात को लेकर आपने ज्ञापन सौंपा है। हमारी मांगे हैं, हमारा वेतन मतलब पिछले 5 माह से वेतन नहीं मिल रहा है, और स्थायी करने का जो स्थायी कर्मी घोषित करा, तो वो बढ़ा हुआ वेतन भी हमको नहीं दे रहा, और वो एरियल भी हमको नहीं मिल पा रहा है। कौन से विभाग के कर्मचारी? शिक्षा विभाग के कर्मचारी हैं। कौन सी श्रेणी के? चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, दैनिक वेतन भोगी, अभी अभी स्थायी कर्मी हुए हैं। अगर इस पर शासन कोई कार्रवाई नहीं करता तो आगे क्या रणनीति है? अगर शासन कार्रवाई नहीं करता है तो हमारी अगली रणनीति है कि अनिश्चितकालीन हड़ताल पर उतरेंगे। इनके द्वारा बताया गया है अभी कि इनको विगत 4-5 माह से वेतन नहीं मिला है। इस संबंध में भी मैंने बीओ को तलब किया है, उसमें कारण पता करते हैं कि क्यों नहीं मिला है। अगर कोई जिला स्तर का कोई समस्या है तो उसका समाधान करके इनका वेतन दिलाया जाएगा। अगर कोई प्रदेश स्तर की बात है तो कलेक्टर साहब के मार्फत वहाँ तक भेजा जाएगा, बताया जाएगा कि इनके साथ जो वेतन नहीं मिल रहा है तो आवंटन आए और इनको मिले। अच्छा सर, कौन से कनम विभाग से हैं ये लोग? ये शिक्षा विभाग के चतुर्थ श्रेणी दैनिक वेतन भवन, और ये लोग हैं चतुर्थ श्रेणी। अपने ब्लॉक में जो 24 छात्रावास हैं, आश्रम हैं, तथा कुछ मिडिल स्कूलों में हैं, उनका अलाटमेंट पिछले 4 माह से नहीं आ पाया। अगर इस माह को भी जोड़ लेते तो 5वां माह हो जाता है। यहाँ पे हम लोगों ने उनके बिल तो तैयार कर रखे हैं, अब जैसे ही आवंटन आएगा तो उसके बाद हम लोग पोर्टल्स उनके आईडी लॉक करके बिल निकाल के ट्रेजरी में लगा देंगे। अभी आवंटन हमारे पास नहीं आ पाया है। और जहाँ तक जो स्थायी कर्मी कुछ लोग कर्मचारी हुए हैं, उनकी आईडी संबंधी जो भी जानकारी ट्रेजरी में फीड करानी है वो हम लोग उनके कराते जा रहे हैं, और बाकी जो आगे से निर्देश भोपाल से आएंगे उसके आधार पे हम लोग उनको वेतन देने संबंधी कार्रवाई की जाएगी। अभी फिलहाल आवंटन नहीं है, जिसके चलते समस्या आ रही है। सर, एक दूसरा पॉइंट ये था कि इन चतुर्वर्ग कर्मचारियों की हड़ताल की वजह से कई बच्चों को आश्रमों में खुद को खाना बनाना पड़ रहा है। इस समस्या को मतलब हल करने के लिए क्या शासन ने इस तरह की दूसरी व्यवस्था की गई है? नहीं, ऐसा नहीं है। 24 जो हमारे छात्रावास आश्रम है, उसमें चूंकि इन्होंने सूचना दे रखी थी, तो कल से ये लोग चले गए थे, तो कहीं पे खाना नहीं बना, ऐसी स्थिति निर्मित नहीं हुई। हाँ, बच्चों को परेशानी जरूर हुई, तो सभी 24 छात्रावास आश्रमों में अधीक्षक और बच्चों के द्वारा कल भोजन बनाया गया, आज भी भोजन बनाया जा रहा, और ये सभी लोग आज इनकी हड़ताल ख़त्म हो जाएगी, तो कल से सभी लोग काम पर आ जाएंगे। सर, एक आखिरी सवाल ये था कि जो जितने भी हड़ताल कर्मी, उनका कहना है कि अगर उनकी समस्याओं का हल 2 दिन के अंदर निराकरण नहीं होता है तो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर उतरेंगे। ऐसे में बच्चों की परेशानियों को और भी मतलब बढ़ावा मिल सकता है, तो क्या शासन या आपके स्तर पर कुछ इसको हल करने की कोई कोशिश की जा रही है? इनका जो ज्ञापन आया है, ज्ञापन मेरे नाम से दिया है, एक SDM साहब को दिया था, वो भी ज्ञापन मेरे पास आया, वो ज्ञापन हम लोग जिला स्तर पर भेज रहे हैं।
और जिला स्तर पे क्या निर्णय होगा, इस संबंध में क्या निर्णय लेते हैं वो अभी ज्ञात नहीं है। जैसे ही वहाँ जिला स्तर पे कोई निर्णय लेते हैं फिर हम इसमें अग्रिम कार्रवाई करेंगे।